गोल्डन माइक मिला जिस गाने से, वही गाना अब अमित कुमार के साथ में। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, क्या बात है। आपको याद होगा दोस्तों कि देवोश्मिता रॉय ने अपने ऑडिशन राउंड के दौरान में इस खूबसूरत से परफॉर्मेंस को करके गोल्डन माइक पाई थी और एक बार फिर से उन्हें यह परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि इंडियन आइडल 13 का यह वीकेंड दोस्तों सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार स्पेशल मनाया जा रहा है, जिसमें कि अमित कुमार जी स्पेशल गेस्ट बनकर आए हुए हैं और उन्हीं की मौजूदगी में देवोश्मिता रॉय को यह गाना गाने का मौका फिर से उनके साथ में मिला है। फिल्म जीवा का यह खूबसूरत और हिट गाना था दोस्तों, जिसे कि आशा भोसले और अमित कुमार जी ने अपनी आवाज दी थी। उस गाने को देवोश्मिता रॉय का सौभाग्य कहा जा सकता है, जो कि इंडियन आइडल के मंच पर अमित कुमार जी की मौजूदगी में ड्यूट परफॉर्मेंस करने को मिले हैं, जिसे सुनने के बाद में हमारे सभी जजेस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जम के इनकी अप्रिसिएशन करते हैं। उतना ही खूबसूरत, उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिली है दोस्तों, जो कि इंडियन आइडल के इस वीकेंड में देखने को हमें मिलने वाली है। साथ ही साथ उनके इस परफॉर्मेंस को सुनने के बाद में अमित कुमार जी ने जो उन्हें गोल्डन माइक मिली थी दोस्तों, उसमें अपना खास सिग्नेचर करके देवोश्मिता की याद को और भी तरोताजा बना दिया है और उनके लिए यह जीवन एक सार्थक बना दिया है। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि देवोश्मिता रॉय और अमित कुमार जी का यह लाजवाब परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, जो उन्होंने किशोर कुमार स्पेशल के दौरान में परफॉर्म किया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडियन आइडल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।